पहिल पहिल मोरा औले गवनवा ओ मोरा सासू से झगड़ा हो गईला हो गईला के पहिल पहिल मोरा औले गवनवा मोरा सासू से झगड़ा हो गईला तो बारे बालम परदेसवा में सोहे सोहे करवट में सबे कवा हो गईला करवट मा से बेरवा हो गईला करवट मा से बेरवा हो गईला करवट मा से बेरवा हो गईला ये तो भोजपुरी में टुकड़ा है आप सभी ने सुना होगा लेकिन जो मेरी बात है उसको सुनिए कैसे जिस समय भगवान राम केवट से कह रहे हैं अरे केवट नाव ले आओ हमें उस पार जाना है केवट ने कहा नहीं प्रभु मैंने सुन रखा है कि आपकी रज में बड़ा भारी जादू है और अगर आपके पैर हमारी इस नाव में पड़े तो बड़ा गजब हो जाएगा प्रभु पाहन तेन काठ कठिनाई और बाट परे मोरी नाव उड़ाई हाथ जोड़े केवट ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु के ना जर है ना कोई जरिया का इस गंगा के किनारे कमाने का कोई और साधन नहीं है प्रभु सिवाय इस नवैया के ना जरे है ना कोई जरिया और लग जाई नजरिया का करबे का करबे तो काठे की है या नाव हमारी बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा काठे की है या नाव हमारी काठे की है या नाव हमारी बनी जाली मेहरिया बन जाई मेहरिया का करबे बन जाई मेहरिया का करबे बन जाई मेहरिया का करबे प्रभु ने चरण धुला लिए उतर ठाड़ भे सुर सर रेता लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन्हा पिए ही की सिए जाना निहारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी कहेउ कृपाल लेहु उतराई केवट चरण गहो अकुलाई क्या बात है केवट कहने लगा प्रभु बहुत काल हम कीन्ह मंजूरी मैंने इस गंगा के किनारे बहुत काल हम कीन्ह मंजूरी अब लई के मंजूरिया का करबे लेकिन एक विनती कर रहा हूँ प्रभु क्या? जब मैं आपके घाट पर आऊं बहुत काल हम कीन्ह मंजूरी अब लई के मंजूरिया का करबे केवल विनती इतनी है प्रभु क्या कि भाव से हम का पार की हो प्रभु भाव से हम का पार की हो या छल्ला मुदरिया का करबे क्या बात है वाह शाबाश का ये छल्ला मुदरी हम क्या करेंगे और क्या विनती केवल इतनी है प्रभु क्या और हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आपकी इन तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाव से हम का पार की हो प्रभु भाव से हम का पार की हो या
करिया का करिया सल्ला तो करिया का करिया सल्ला तो करिया का राघवेंद्र सरकार की जय। और ये मेरा चक्र इधर पूरा होगा। गीत ऐसा गा दिया कि दीदी फंस जाए। हाँ नहीं, हम बहुत छोटे हैं, आपको फंसने की तो हम सोच भी नहीं सकते ना, ना। आपको कभी नहीं फंसा सकते हम ना, ना। क्योंकि हमको आपसे सीखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दीदी को मत फंसाना। बुजुर्गों के बनाए गए कि बुजुर्गों के बनाए गए साहिबा को छोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलदस्ता को छोड़ मत देना। कहना कि बुजुर्गों के बनाए गए साहिबा को छोड़ मत देना और नई खुशियों के पीछे गुलदस्ता को छोड़ मत देना। अरे कहीं ऐसा ना हो कि हाथों की जन्नत ही चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथों की जन्नत ही चली जाए। बहू और सास के चक्कर में माँ को छोड़ मत देना। आपकी ओर से गीत आया कौन सा? बर्बादी का जलवा हो गया। ए भोजपुरी तर्ज आपने गाई, हाथों में मेहंदी मांग सुदूरबा, हाथों में मेहंदी मांग सुदूर बर्बादी का जलवा हो गया रे बर्बा, बर्बादी कजरवा हो गई ला। हाँ कजरवा, बहुत बढ़िया। आपकी ओर से कट पीस आया। बहुत से हम कार किए हो गाया, बढ़िया गाया। अब इस छोटे भाई का प्रयास देखें, क्योंकि समय की डोरी में बंधे हैं तो ज्यादा बातचीत करना भी ठीक नहीं है, लेकिन सीधा जवाब की ओर जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बेटा। एक बार भगवान राम से, प्रभु राम से
पर्वत पर रहने वाले एक ऋषिवर ने जिनकी शादी नहीं हुई थी एक पथरिया लेके पहुंचे। एक पथरिया लेके पहुंचे राम के पास तो और कहने लगे क्या कि आपने अहिल्या को नारी बना दिया। वाह, जो कि एक पत्थर की शिला थी तो मेरी ये पथरिया को भी नारी मिला दीजिए। उनको उनकी शादी नहीं हुई तो कहना पड़ा अब तो जहिया मिल ही जाएगा। पत्थर की शिला को भी नारी बना दीजिए। हाँ, पाँव हुआ दो लाए पथरिया। जब पाँव को ने छुआ, पाँव छुआ दो लाए पथरिया तो हमको महरिया मिल जाए। इस पत्थर की शिला को छू दीजिए तो हमको भी नारी मिल जाएगी। कहना पड़ा घर में धरनी नहीं रही बे, घर में धरनी नहीं रही बे, घर की बकरिया खिल जाए। और पाँव छुआ तो लाए पथरिया, पाँव छुअने को लाए पथरिया हमको महरिया